यस बेटा, एनी क्वेरी? लास्ट सेशन में जो कुछ डिस्कस हुआ उस पर कोई क्वेरी जनरेट हो रही है तो उसको पूछ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो कल तक जो हम लोगों की बात हुई थी, क्वेरी आपकी आ नहीं रही है, इसका मतलब काफ़ी चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को। तो कल तक जो हम लोगों की बात हुई थी उसके हिसाब से जो भी बात हुई थी हम लोगों की कल तक, उसके हिसाब से हम लोगों का जो आपने ये जाना था, व्हाट इज़ द शॉर्ट वर्किंग, व्हाट इज़ द मिनिमम रेंट, व्हाट इज़ द रॉयल्टी, और शुरुआत की एंट्री जानी थी कि इसको ट्रीट कैसे करेंगे। बट इफ़ इन सम केसेस अगर आप ये देखेंगे कि अगर शॉर्ट वर्किंग हो गई है और वो एक साल से दूसरे साल के लिए ट्रांसफ़र हो रही है, रॉयल्टी अकाउंट को तो उसी साल आपने मर्ज करा दिया P&L में। ठीक, लैंडलॉर्ड अकाउंट तो वो आपका पेमेंट है, वो तो बाहर जा ही रहा है, बैंक अकाउंट भी एडजस्ट हो रहा है। अब ये शॉर्ट वर्किंग तो P&L में गए नहीं, तो अगर ये P&L में गई नहीं तो ये जब बुक क्लोज होंगी एट द एंड ऑफ द ईयर, ये कहाँ प्रेजेंट होगी? इफ़ योर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट अलाउ टू एडजस्ट द शॉर्ट वर्किंग्स इन फ्यूचर, अगर आपके टर्म्स ये अलाउ करते हैं कि फ्यूचर में आप उनको एडजस्ट कर सकते हो, तो इसको कहाँ लेके जाना पड़ेगा आपको? कहाँ जाना चाहिए ये? पहले कुछ आपकी तरफ से हो जाए, बिकॉज डिस्कशन में भी द टू टाइप्स, ये बातें समझ आ जाएंगी तो एंट्रीज बहुत आसान होगी। कभी आप कंफ्यूज भी हो रहे होंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे एट दैट टाइम। तो मुझे ये बताइए जल्दी से सारे लोग में से कोई, कि अगर ये जो हमारा शॉर्ट वर्किंग है, आपको समझ आ रही है ना सारी बात अच्छे से, कि ये जो हमारी शॉर्ट वर्किंग है ये अगर एडजस्ट नहीं हुई साल के एंड में, P&L में नहीं गई, अगर हमने इसको खर्चा माना और ये P&L में नहीं गई है, तो हमको क्या करना है? इसको कहाँ लेके जाएं? P&L में नहीं गई है तो बैलेंस शीट में जाएगी, तो बैलेंस शीट के किस साइड में इसको लेना चाहिए, किधर जाएगी ये? लायबिलिटी में? ओके, लायबिलिटी में वन रिस्पॉन्स आई एम गेटिंग, दैट इज द लायबिलिटी। तो जरा आप ये दिमाग में डालिए कि जो डिस्कशन है कि अगर शॉर्ट वर्किंग के लिए आपका एग्रीमेंट अलाउ नहीं करता तो आप उसी साल उसको एडजस्ट करने वाले थे, और ध्यान से सुनिएगा, अगर आप उसको उसी साल एडजस्ट करने वाले थे, मींस योर प्रॉफिट इज गोइंग टू बी रिड्यूस इन दैट ईयर, उस साल आपकी प्रॉफिट रिड्यूस हो जाते हैं। अगर वो आप P&L में डालते हैं उसको, तो आपके प्रॉफिट रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि आपका एग्रीमेंट आपको अलाउ करता है कि यू कैन रिक्यूप इट और राइट ऑफ इन द फ्यूचर, आप उनको फ्यूचर में एडजस्ट करा सकते हो। तब क्या होने वाला है? तब आप मुझे ये बताइए कि ये लाइबिलिटी कैसे हो सकती है? लाइबिलिटी जैसे आपने पीछे जो भी पढ़ी होगी, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस या आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये लाइबिलिटी है जो आपको देनी चाहिए थी, आप दे नहीं पाए, दैट इज द लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी हो सकती है, ठीक ना? आपको जो चीज़ देनी चाहिए थी आप दे नहीं पाए, दैट इज वो लाइबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग में जा रही है। ठीक, अब ये क्या चीज़ है भाई? ये तो आपके प्रॉफिट को तो इसने बढ़ाया हुआ है ना, अगर इसने आपके प्रॉफिट को बढ़ाया हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बैलेंसिंग पे पूरा फोकस आपका हो जाना चाहिए। अगर इसको आपने P&L में एडजस्ट नहीं किया तो इसने काम क्या किया है? आपकी प्रॉफिट को बढ़ाया हुआ है। अगर इसने आपके प्रॉफिट को बढ़ाया हुआ है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है तो लाइबिलिटी साइड तो ऑलरेडी बढ़ रही है, और फिर भी हम इसको अगर लाइबिलिटी में डालेंगे तो क्या होगा? हमारी बैलेंसिंग नहीं होगी, ये जाएगी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में। ठीक, शॉर्ट वर्किंग अगर आपका एग्रीमेंट अलाउ करता है, इट इज गोइंग बी टू एडजस्टेड इन द फ्यूचर, द रीजन इसलिए जाएगी कि कोई पैसा अगर आपको किसी को देना है, अब बिल्कुल अपने ऊपर रख के सोच लीजिए, किसी को आपको 100 रुपए देने हैं, आपने उसको 80 रुपए दिए, तो जो 20 रुपए हैं वो आपकी जेब में बचे रह गए ना भाई, वो जो अगर आपके पास बचे रह गए हैं
तो उसको आपकी संपत्ति ना माना जाए, भले आपके और उसके बीच में तय हो गया हो कि यार आगे के साल में दे देना या हम मान लेंगे, लेकिन वो रुके तो आपके पास है, आपकी पॉकेट में। अगर आपकी पॉकेट में वो रुके हुए हैं तो आपके लिए एसेट है, तो ये एसेट में जाएगी, बहुत अच्छे से समझ लो, तभी बैलेंसिंग हो पाएगी। बात समझ आ रही है आपको? ठीक, बात समझ आ रही है आपको? प्लीज एनीबडी, ये बात समझ आ गई? अब ये जो आउटस्टैंडिंग यस लाइबिलिटी सर। वाला, हाँ ये जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी वाला केस है, जो उसमें जा रहा है लाइबिलिटी में या प्रीपेड जा रहा है एसेट में, इसको थोड़ा सा घर से देख के आइएगा, तब कल मुझे बताइएगा ये क्यों होता है, ठीक ना? क्योंकि जब आपने मेरा ये बातें सुनी तो बिल्कुल लग रहा होगा यार तो ये एक जैसा है यार, उसमें भी आउटस्टैंडिंग में भी मुझे पैसा देना चाहिए, वो हम नहीं देते हैं। तो जब हम नहीं देते हैं तो यार वो एसेट में, उसमें लाइबिलिटी में चला जाता है, इसमें भी जो मुझे पैसा देना चाहिए वो हम नहीं देते हैं, तो ये एसेट में क्यों जा रहा है? जरा इसको हल्का सा घर पे देख लीजिएगा, अभी जो मैंने इसके पीछे का रीजन बताया इसको अच्छे से समझ लीजिए। शॉर्ट वर्किंग मीन्स आपकी एसेट में जाने वाली ये चीज है, तो उसको आपको ध्यान देना है, ठीक? आप ये एसेट में चली जाएगी, तो जैसे जैसे आप इसको हटाते चले जाओगे तो फिर वो एडजस्ट होती चली जाएगी। अब हम लोग मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो इसकी वर्किंग, एक बात जो इसमें छूट रही थी वो मैंने बता दी कि अगर साल के अंत में ये रह जाए तो आपको इसको बैलेंस शीट के एसेट्स में देना है, क्योंकि बुक ऑफ अकाउंट जब आप बनाएंगे किसी का और उसने आपसे जर्नल एंट्रीज के बाद वो भी मान लेंगे कि अकाउंट्स बनाइए, तो अगर शॉर्ट वर्किंग स्टैंड कर रही है तो आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक? अब जल्दी से जो मैंने आपको वो भेजे हुए हैं एग्जाम्पल, उस पर जरा फोकस करिए। इलस्ट्रेशन 3 सबसे छोटा वाला, जिसके साथ एनालिटिकल टेबल आपके लिए बनी हुई है। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आपके लिए शॉर्ट वर्किंग इसमें आ रहा है रॉयल्टीज में, तो यू हैव टू क्रिएट अ एनालिटिकल टेबल, मीन्स यू हैव टू वर्कआउट द थिंग्स, कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो हम फिगर्स तो पहले वर्कआउट कर लें, हम फिगर्स तो वर्कआउट कर लें पहले, कि अगर हम फिगर्स को वर्कआउट कर पाएंगे देन वी आर एबल टू प्रोड्यूस सम एंट्रीज। एंट्रीज की बात आपको समझ आ गई, क्या डेबिट होना है क्या क्रेडिट होना है, उस हिसाब से अकाउंट बन जाएंगे, लेकिन फिगर क्या डाली जाए ये क्वेश्चन से आपको समझ के इस एनालिटिकल टेबल को समझना पड़ेगा, तो बड़ी आसानी से चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। तो वो वाला जगह निकाल लीजिए जहाँ पर आपके पास ये है इलस्ट्रेशंस, हम लोग पढ़ते हैं इसको साथ साथ, फिर इस एनालिटिकल टेबल को मैच कराइए, और कोई क्वेरी अगर आ रही है तो फिर आप उस समय पूछ सकते हैं, ठीक? चलिए, ललित माइनिंग कंपनी कमेंस द वर्क ऑन 1 जनवरी 1992 अपॉन लैंड लीज टू इट बाय द लैंडलॉर्ड, ठीक? द लीज प्रोवाइडिंग फॉर द पेमेंट ऑन 31 जनवरी 1993 द एनुअल देयर आफ्टर और द रॉयलिटी ऑफ 10 पैसा पर टन मिनरल रेज ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग कैलेंडर। द रॉयल्टी वॉज द सब्जेक्ट टू द मिनिमम रेंट ऑफ ₹200 पर एनम विद द राइट टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग एक्सटेंडिंग टू द पेमेंट ड्यू ऑन 31 जनवरी 1996। द एनुअल टनेज रेस्ड हैज़ बीन एज फॉलोज 1000, और ये आगे के कुछ साल के अगेंस्ट में आपको फिगर दी हुई है कि इतना इतना उन्होंने जो है वो मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया। शो द लैंडलॉर्ड अकाउंट एंड द शॉर्ट वर्किंग अकाउंट इन द बुक ऑफ ललित माइनिंग कंपनी। तो ये काम अब आपको करना है, तो जल्दी से पहले हम ये तो जाने कि किस इसका हो क्या रहा है, ठीक? तो जब मुझे ये पता चलेगा कि इसमें मुझे फिगर्स किस हिसाब से डालनी है देन वी आर एबल टू डू द समथिंग। तो सबसे पहले इसके कॉलम आप दिमाग में बिठा लीजिए कैसे बनना है, पहला तो वो साल या वो पीरियड जिस पीरियड की बात हो रही है वो आ जाएगा, दूसरा आउटपुट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द रॉयल्टीज, तो अगर रॉयल्टीज की बात हो रही है तो आउटपुट का कनेक्ट होगा रॉयल्टी के रेट के साथ, तो मुझे वो एक्सट्रैक्शन या द थिंग विच यू हैव जनरेटेड फ्रॉम सच एसेट, जो यूज से आपने उसके जनरेट की उसकी क्वांटम वैल्यू चाहिए, उस क्वांटम वैल्यू का कॉलम एक बना देंगे आप आउटपुट,
यहाँ टन पे है तो टन में या क्विंटल में जैसे भी, तो आउटपुट बन जाएगा। तीसरा वो रेट, जब वो रेट अप्लाई होगा तो रॉयल्टी वर्कआउट होगी, तो वो रेट लगा दीजिए आप कॉलम में। चौथा, क्योंकि आपका कोई मिनिमम रेंट तय है वो होगा ही होगा, तो वो हर साल का एक जैसा होगा, इस केस में 200 रुपये है, तो वो 200 रुपये आपने फिलअप कर दिए। क्लियर? अब आ जाइए कि क्या जो ये अब क्या चीज होती है शॉर्ट वर्किंग, मीन्स एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी। तो अब हमको वो जगह देखनी चाहिए कि जहाँ पर मिनिमम रेंट ज़्यादा हो जा रहा है किससे, हमारी रॉयल्टी से। तो रॉयल्टी जो आपने 10 रुपए के टन के हिसाब से कैलकुलेट कर ली, तो हर साल की अलग अलग आ गई है। तो पहले ही साल में हम देखते हैं कि मिनिमम रेंट जो है वो हमारा 200 रुपए और रॉयल्टी जो हो रही है वो 100 रुपए। तो इन दिस केस शॉर्ट वर्किंग का जो टेबल है उसमें पहले ही साल में यू आर गोइंग टू मेक ₹100 एज शॉर्ट वर्किंग, ये डाल देनी है आपको। दूसरे साल में भी आप मैच करा लें तो मिनिमम रेंट इज गोइंग टू बी द एक्सेस ऑफ द रॉयल्टी इन द ईयर 1993, तो शॉर्ट वर्किंग इज ₹25। आगे के केस में किसी भी जगह पर शॉर्ट वर्किंग नहीं है और हमारा एक्चुअली जो ये रॉयल्टी है ये ज़्यादा है हर बार। तो जब रॉयल्टी ज़्यादा है हमारा, इसका मतलब उसमें फर्दर शॉर्ट वर्किंग नहीं है। तो शॉर्ट वर्किंग तक की हमारी टेबल हो गई। इससे आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको अलाउ कर दिया गया है कि 96 तक, 1996 तक आप क्या कर सकते हैं, रॉयल्टी को रिकूप कर सकते हैं। तो अगर आप रॉयल्टी को रिक्यूब कर सकते हैं, तो आप देखिए कि आपके पास कब वो अमाउंट है जो एक्सेस ऑफ 200 है, विच इज गोइंग टू बी एडजस्टेड, जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको मिल जाएगा ईयर 1994 में ₹230 आ रहे हैं रॉयल्टी से, और मिनिमम रेंट हो रहा है हमारा 200, मीन्स ₹30 इज एक्स्ट्रा। इफ ₹30 इज द एक्स्ट्रा, देन इट शुड बी कैन रिक्यूब अगेंस्ट द शॉर्ट वर्किंग्स। इनको आप शॉर्ट वर्किंग से रिकूप कर सकते हो इन ₹30 को। तो शॉर्ट वर्किंग रिकूप कॉलम का जो टेबल है, टेबल हर बार आपको बनानी है, क्योंकि हर साल में आपको एंट्री डालनी है। तो जब आप हर साल में एंट्री डालेंगे, तो जब आपके पास डेटा होगा तभी तो आप उसको चढ़ाएंगे ना, कि यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ। तो जहाँ पे रिक्रूटमेंट है तो वहाँ पर आपके लिए क्या हो जाएगा, ₹30 डाल दीजिए उस साल में। इसमें भाई ₹30 रिकूप हो सकते हैं, आपने रिक्यूब करा लिए। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ठीक, आगे बढ़ेंगे जैसे हम, तो हमको ये दिखेगा कि अगली साल में ₹80 ज़्यादा आ रहे हैं, कि ₹80 भी आप रिक्यूब करा सकते हैं, आप रिक्यूब करा लीजिए ₹80 भी। तो जैसे ही ₹80 आप रिक्यूब करा पाएंगे इन द शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कॉलम, तो अब इसके बाद, क्योंकि वो बोलता है आपसे ये काम आप कब तक कर सकते हैं, क्वेश्चन को देखिए जरा, कि विद द राइट टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग एक्सटेंडिंग टू द पेमेंट ड्यू ऑन, वर्ड्स को समझना पड़ेगा। उसने नहीं बोला आप 96 तक कर सकते हैं, उसने बोला एक्सटेंडिंग टू द पेमेंट ड्यू ऑन। व्हाट इज द पेमेंट हियर, पेमेंट इज द रॉयल्टी यू आर गोइंग टू पे। वो बोलता है कि जो 31 जनवरी 1996 तक पेमेंट ड्यू हो उसमें आप एडजस्ट करा सकते हैं। तो हमारी जनवरी में कौन सी पेमेंट ड्यू होगी, जिसमें दिसंबर तक काम हुआ होगा, ठीक ना, या जिसमें 1 जनवरी तक काम हुआ होगा, यानी 95 की फिगर। यानी जो अब आपको जो ये 96 का उसने डेटा दिया है, इसमें शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट नहीं हो सकती। क्लियर, ये बात समझ आ रही है? क्वेश्चन पे बस हल्का हल्का फोकस आपको देना है, जहाँ डेट और साल इनको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बहुत आसान है। उसने सीधे सीधे आपको बोला कि आप कब तक इसको एडजस्ट करा सकते हो, एक डेट दे दी 31 जनवरी तक जो आपका पेमेंट ड्यू हो जाए। तो 31 जनवरी तक आपका पेमेंट कौन सा ड्यू होगा, जो 95 तक या 1 जनवरी तक क्रिएट हुआ होगा। और आगे वो बता रहा है कि 96 में आपने ये फर्दर जनरेशन किया है फ्रॉम द एसेट, तो वो तो एडजस्ट नहीं हो सकता। क्लियर है सबको? तो अब जो बैलेंस आपका बच जा रहा है इन द शॉर्ट वर्किंग, दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर टू द पीएनएल। अब आप कल का डिस्कशन याद कर लीजिए, मैंने आपको बोला था कि अगर कोई टाइम पीरियड, तो तीन चीजें बताई थी शॉर्ट वर्किंग में, एक कुछ भी नहीं है, मतलब आपके एग्रीमेंट में कोई स्कोप नहीं है कि आप शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट करा पाए इन द सेम ईयर जहाँ पे शॉर्ट वर्किंग
जनरेट होगी, उसी जगह ही आपको इसको क्या कर देना है, एडजस्ट करा देना, पीएनएल में डाल देना। हाँ, आपको अलाउ करता है वो, तो अलाउ करने में जहां तक की सीलिंग है जिस शॉर्ट वर्किंग की, वहां तक आप उसको आगे कैरी कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ राइट ऑफ, फॉर द पर्पस ऑफ रिक्यूपमेंट। लेकिन जहां पर वो सीलिंग हो जा रही है, उसी साल आपको पीएनएल में एडजस्ट करा देना है। वी आर इन दिस केस वी आर प्रिपेयरिंग द बुक ऑफ अकाउंट अप टिल द 1996, लेकिन एडजस्टमेंट फैसिलिटी ऑफ द शॉर्ट वर्किंग कहां तक कल उसकी सीलिंग लगी हुई है, 95 के आउटपुट तक। तो जो शॉर्ट वर्किंग बची रह जाएगी हमारी, उसको हम क्या कर दें, उस साल पीएनएल में ट्रांसफर करा दें। तो आप देख लीजिए शॉर्ट वर्किंग का टोटल आपका 125 और आपने रिक्यूब कितनी कर ली, 110। तो व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट इन द शॉर्ट वर्किंग्स इज रुपीज 15, और वो आप ट्रांसफर कर दीजिए 95 वाले साल में, कि अब इसके आगे तो ये जा नहीं सकती, तो इसी साल में से एडजस्ट करा। ठीक, अब आपके पास डेटा आ गया है, अब आप इसकी जनरल एंट्री बनाते चले जाइए सबकी एक। ठीक, आपको जनरल एंट्रीज तो पता ही है, जनरल एंट्री बनाइए और फटाक से इसको अकाउंटिंग कर दीजिए इसकी। इतना ही उसने इसमें कहा है आपसे कि शो द लैंडलॉर्ड अकाउंट एंड द शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अब एक बात तो सारी हमारी आपसे हो गई थी, अब ये बात हो गई थी कि शॉर्ट वर्किंग का एडजस्टमेंट, इसकी एंट्री हमने आपको नहीं बताई अभी। ये बता दिया कि ये एडजस्ट हो सकती है थ्योरी के हिसाब से, तो अगर ये एडजस्ट होगी तो जो ये शॉर्ट वर्किंग आपने निकाल रखी है, इसको जब आप एडजस्ट कराओगे तो किसको डेबिट कराओगे, शॉर्ट वर्किंग इज द डेबिट बैलेंस है ना। आपने लैंडलॉर्ड को क्रेडिट किया था शॉर्ट वर्किंग, और एक वो रॉयल्टी प्लस शॉर्ट वर्किंग, और उसके साथ में लैंडलॉर्ड को क्रेडिट किया था, ठीक ना। तो अब ये शॉर्ट वर्किंग जब हम रिक्यूब कराएं, तो हम किसको एडजस्ट कराएं, कौन सा खाता हमारा जो है वो डेबिट होगा शॉर्ट वर्किंग के अगेंस्ट, जब रिक्यूपमेंट हो रहा है। प्लीज नोट, व्हेन वी आर रिक्यूपिंग और द राइटिंग ऑफ द शॉर्ट वर्किंग्स, देन व्हिच इज अकाउंट इज गोइंग टू बी डेबिटेड, बिकॉज शॉर्ट वर्किंग का डेबिट बैलेंस क्रेडिट होके खत्म हो रहा है, तो किसको डेबिट किया जाए। जो पहली एंट्री आपकी थी वो क्या थी बेटा, जब हमारे शॉर्ट वर्किंग जनरेट हो रही थी, जहां पर हमारी शॉर्ट वर्किंग पैदा हुई वहां हमने क्या एंट्री डाली थी, कल मैंने आपको बोली थी फटाक से उस जगह पे पहुंच जाइए आप। मैंने आपको क्या बोली थी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू लैंडलॉर्ड। ओके, अब इस शॉर्ट वर्किंग को हम पीएनएल में ले नहीं गए, एग्जिस्ट कर रही है, तो ये जनरेट किसके हुई थी, मतलब किससे आपने ये तय किया था कि अगर आगे हमारी रॉयल्टी ज्यादा हो जाए तो ये जो शॉर्ट वर्किंग वाला हिस्सा है ये हम एडजस्ट करा सकते हैं। तो कौन एडजस्ट करेगा, वो लैंडलॉर्ड एडजस्ट करेगा, क्लियर, वो लैंडलॉर्ड एडजस्ट करेगा, उसे ही तो कम पैसा दोगे। यस, एनीथिंग पूछना है कुछ बेटा सुयश? No. तो अब ये इसका इसको कौन, इसका खर्चा कौन उठाने वाला है, किससे आपका एग्रीमेंट हुआ था, लैंडलॉर्ड से, तो लैंडलॉर्ड को ही आपको डेबिट कर देना है, ठीक ना। शॉर्ट वर्किंग का एडजस्टमेंट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो आप लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दीजिए, और जितने से आपको रिक्यूपमेंट फैसिलिटी मिल रही है शॉर्ट वर्किंग की, उतने से उसको आप क्रेडिट करके शॉर्ट वर्किंग को कम कर सकते हैं। अगर पूरी की पूरी हो जा रही है then it is okay, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, यहाँ तक की सारी बात क्लियर है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लीज रिस्पॉन्स आपका चाहिए, यहाँ तक की बात क्लियर है? यस सर। ओके, तो इस पर कोई डाउट नहीं है ना अब, तो अब आप इससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज या जो लेजरिंग है ये कर लेंगे, आर यू श्योर, आर यू श्योर? सर हाँ बिल्कुल श्योर हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए, और दिक्कत आएगी
आई एम गोइंग टू असिस्ट यू। तो इसकी सारी जनरल एंट्रीज ऑलरेडी हो चुकी हैं हमारी आपकी डिस्कस। अकाउंटिंग में जनरल एंट्रीज आप बना लेते हैं तो देन इट इज वेरी इजी टू पोस्ट इट इनटू द लेजर्स, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस काम को आप करेंगे और इसके बाद कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछेंगे हमसे इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक। और जिस जिस साल आपकी शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट नहीं हो रही है उसी उस साल का आपको बैलेंस शीट भी एक छोटा फॉर्म में बना के देना पड़ेगा और एसेट साइड में शॉर्ट वर्किंग दिखानी पड़ेगी, ठीक। अकाउंट कितने इसमें बन जाएंगे, लैंडलॉर्ड रॉयल्टी, देख लीजिए लैंडलॉर्ड रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग। हालांकि इन्होंने तो आपसे दो ही अकाउंट मांगे हैं, लैंडलॉर्ड और शॉर्ट वर्किंग, लेकिन आपको तो पूरा सीखना है तो इसलिए अगर इन द बुक्स ऑफ द लेसी कितने तरीके के अकाउंट बन सकते हैं, लैंडलॉर्ड और क्योंकि आप पेमेंट उसको कर रहे हो, बैंक, रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग और बस हो जाएगा इतने से। प्लीज हो जाएगा इतने से। यस सर। P&L क्योंकि P&L में डालना है तो वो आपको उस साल के अकाउंट तो दिखाना पड़ेगा इसमें, ठीक। नोट कर लीजिए क्या क्या अकाउंट्स आपके बनेंगे। एक तो ये कंसर्न जो जो जनरल एंट्रीज में जो जो नेम आ रहे हैं ये तो आपको बनाने ही है, ठीक। लैंडलॉर्ड का अकाउंट, रॉयल्टी का अकाउंट, इजीली फिर से दोहरा दे रहा हूँ, लैंडलॉर्ड का अकाउंट, रॉयल्टी का अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट, ये तो नीड है। बैंक, क्योंकि आप पेमेंट करेंगे तो बैंक का अकाउंट भी चाहिए, लेकिन साल के ही अंत में आप क्या कर रहे हो, P&L में उसको ट्रांसफर कर रहे हो तो P&L भी आना चाहिए। P&L अकाउंट में क्या क्या चीज़ आपने डेबिट की एट द एंड ऑफ ईयर वो भी बताइए, क्योंकि ये जैसे ही आपने और एक दूसरे ढंग से बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जिससे कोई डाउट ही नहीं रहे। व्हेन एट द एंड ऑफ द ईयर यू आर प्रेजेंटिंग योर अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट इज द नीड, इट शुड बी तो अप टू डेट एंड अप्रोप्रिएट एंड क्लियर। ये तो इसकी बेसिक नीड्स हैं, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स में और कन्वेंशंस में इन्हीं को तो पढ़ा है। तो अगर आपने P&L को बना आधा नहीं बनाया और छोड़ दिया तो असर क्या पड़ेगा आपका, कि जहां पर भी रॉयल्टी अकाउंट या शॉर्ट वर्किंग अकाउंट आपने बना के रखा होगा उसमें एक साइड की तो एंट्री दिखेगी, दूसरे साइड की दिखेगी नहीं, ठीक ना। बैलेंसिंग उसकी कैसे होगी फिर, ये हमारा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट जो आपने क्रिएट किया ये बंद कैसे होगा, ठीक। इसको बंद भी तो कराना है, बात समझ आती जा रही ना, इसको बंद भी तो कराना है, ये बंद कैसे होगा, कोई डाउट इसमें बताइए जल्दी, इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है। रॉयल्टी अकाउंट आपने बताया था बनाया, मैंने जनरल एंट्री की बात कर ले रहा हूँ आपसे सिर्फ सिंपल एक, तो आपको ये बात समझ आएगी कि P&L क्यों जरूरी है। आपने बनाया रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, ठीक, आपने बनाया रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, आपने बनाया रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, ये एक अकाउंट आपका बन गया, ठीक है। और लैंडलॉर्ड बन के आ गए और तो आपने बैंक से पेमेंट किया तो लैंडलॉर्ड का हिसाब साफ हो गया, कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन ये जो रॉयल्टी आपने बनाया है रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, अब ये रॉयल्टी तो डेबिट बैलेंस आपको दिखाता ही रहेगा, तो आपकी बुक क्या बोलेगी साल के अंत में, उसको क्या समझा जाए अगर आप उस रॉयल्टी अकाउंट को बंद नहीं कर रहे हो। इसका मतलब डेबिट में आपने रेस किया है, किया क्या है इसका, ये तो बुक में स्टैंड कर रहा है अभी, बात समझ पा रहे हैं ना आप हमारी। जैसे ही आपने लैंडलॉर्ड को स्टैंड कराया, ड्यू कराया, तो आपने उसके साथ ही में एंट्री डाली कि बैंक अकाउंट, लैंडलॉर्ड को डेबिट करके बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, मतलब अब आपकी लैंडलॉर्ड का अकाउंट की दोनों साइड बराबर और वो खत्म, इसका मतलब लैंडलॉर्ड का अकाउंट अमाउंट ड्यू हुआ और उसका पेमेंट हो गया और बैंक में आपको दिखेगा कि पैसा कम हो गया, सिंगल है वहां पर सिंगल आएगा, ठीक। लेकिन जैसे ही हम लोग इस पर जाते हैं आगे कि अब ये रॉयल्टी अकाउंट का क्या होने वाला है, ये दिखाई देगा आपको। अगर ये दिख रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, P&L में इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तब तो ये नील होगा,
तब ये नील होगा। क्लियर? तो एक दफा इसको और अच्छे से देख लीजिए, और जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका एनालिटिकल टेबल आप लोग जरा बनाइए, फिर हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। दो चार पांच मिनट के लिए हम अपना ये बंद कर रहे हैं माइक, और माइक बंद कर रहे हैं अपना। तो इस दौरान आपका काम ये है कि अभी जो डिस्कस हुआ उसमें जो डाउट हो, या उसके बाद आप ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका एनालिटिकल टेबल ये जरा बनाइए। एनालिटिकल टेबल बन गया तो समझिए आपका पूरा काम हो गया। तो यू हैव टू प्रिपेयर विद योर शेल विद द एनालिटिकल टेबल ऑफ इलस्ट्रेशन 4। पांच मिनट है आपके पास, कोशिश अच्छे से करिएगा सब लोग मन से। यस, कुछ हुआ? यस बच्चों, कुछ हुआ इसमें?
ये समझ लीजिए कि क्लास में आपको वो भी लेके बैठना है साथ में, कैल्सी, कैल्सी लेके बैठिए तो चीजें काफी अच्छी हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं आपके साथ साथ, आप लोग तो काम कर रहे होंगे। कंप्लीट टेक्स अ लीज ऑफ होल माइंड फॉर द टर्म ऑफ 8 years फॉर स्टूडेंट। इस बच्चों बनाया कुछ जैसा पिछला कॉलम था वैसा ही आपको बना लेना है बस। और उस कॉलम में ये जो आपको क्वेश्चन मिला हुआ है इसके हिसाब से आपको एंट्रीज डालिए प्लीज। जल्दी बताइए, यस सर, डाल दिए। डाल दिए? ओके, डाल दिए हैं तो उसको बताना शुरू करिए, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना। और इसकी प्रैक्टिस हो गई एंड इफ यू हर्ड द सेशन केयरफुली तो एंट्रीज में कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, असली काम इसमें यहीं पर ही है सारा। तो सबसे पहली तो आपकी साल की एंट्री होगी, तो साल में आपने कहाँ से स्टार्ट किया है जो गिवन है आपको, 30 जून 1994 से आपको 31 दिसंबर 1996। अब सेकेंड कॉलम हमारा क्या था, एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन में जो फिगर्स आपको गिवेन है वो आपको सिर्फ इस पे फिल अप कर देनी है हर एक टाइम पीरियड के सामने। नाउ द रॉयल्टी, रॉयल्टी 75 पैसा, तो 75 पैसे के हिसाब से आप कैलकुलेट कर दीजिए। एक भी आदमी कुछ बताएगा मुझको, खैर ये तो बड़ा आसान है, फिर भी बताते चलो यार, पता चले कि हाँ कुछ काम हो रहा है। आप साथ में इन्वॉल्व हैं, इंगेज है, फियर सेपरेटिंग योर वैल्यूबल टाइम इन द क्लास, देन यू मस्ट बी इंगेज एंड इन्वॉल्व एंड गेट समथिंग। और एक बात आप समझ लीजिए, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं दे नीड प्रैक्टिस, उनमें आपको काम करना ही पड़ेगा, तब आपकी क्षमता बढ़ेगी। जितने भी अच्छे से आपको समझ आ जाए लेकिन जब आप करने चलोगे ना बेटा तो दिक्कत होती है थोड़ी। तो अगर आपने उसको एक दो बार तीन बार लगाया हुआ है तो चीज़ें आपके लिए बड़ी आसान हो जाती हैं, और फिर जो वो आपने सुना हुआ है या पढ़ा हुआ है वो बड़ी तेजी से आपके काम आता है। इसलिए मैं केवल आपसे बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे बताना शुरू करिए रॉयल्टी अमाउंट फटाफट, क्या क्या भरा है आपने वन बाय वन। चलिए बताइए, चैट मैंने खुला हुआ है, जल्दी से बताइए। रॉयल्टी फर्स्ट ईयर, सर यस सही है ऋषभ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, किसी और को भी बताने दो यार, सांभवी ठीक ठीक सेकंड सर ईयर सिक्स थाउजेंड ठीक। तो मतलब ये बात आपको समझ आ गई है, सेवन सिर्फ थाउजेंड पॉइंट, फाइव हंड्रेड यस यस बेटा 0.75 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी बिल्कुल सही है। और मिनिमम रेंट आप यहाँ पर क्या डालेंगे, मिनिमम रेंट ट्वेल्व सिक्स थाउजेंड थाउजेंड नो नो अरे 12, यस सिक्स, क्योंकि ये 6 6 महीने में बांट लिया ना आपने उसको, उसने बोला था 12,000 रुपये साल, और आप काम कर रहे हैं अब 6 6 महीने के हिसाब से आप अपने अकाउंट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपका रेंट इस जगह पर आधा हो जाना चाहिए, तब तो साल का 12,000 होगा ना। अगर हमने इसी टेबल में 12 डाल दिया तो बहुत अजीब सी फिगर आएगी हम लोगों की, तो रेंट हम लोग डालेंगे यहाँ पर 6,000 रुपये। ओके, रेंट हमारा पड़ गया 6,000 रुपये। अब शॉर्ट वर्किंग्स हमारी किस किस साल में हो रही हैं,
ये भी सबको साफ साफ दिख रहा होगा, एक पहले साल में 1500 की, और फिर मतलब पहली आपकी उसमें हो रही है रो में जो 30 जून 1994 वाली है, फिर आपकी हो रही है 1995, 31 दिसंबर 1995, ये भी 1500 की है, और फिर तीसरी हो रही है आपकी जहाँ पर आपकी रॉयल्टी जनरेट हो रही है 5250, तो 750 रुपये। ठीक, ये शॉर्ट वर्किंग्स आ गई आपकी। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट नहीं, क्योंकि ये तो काम अधिकतर आप लोगों ने कर ही लिया है। नाउ अब मुझे ये बताइए, ये जो शॉर्ट वर्किंग रिक्रूप्ड कॉलम है, इसमें आपने क्या डाला है, कब डाला है, कहाँ पर डाला है इसको? ये जो शॉर्ट वर्किंग आपने रिक्रूप भी तो कराई होगी ना, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। ये जो आपकी शॉर्ट वर्किंग्स क्रिएट हुई, ये किस किस, अब तो ये 6 महीने में है ना, और आप भी 6 महीने वाले स्टूडेंट हैं, तो हम अच्छे से बोल लेते हैं किस किस सेमेस्टर में रिक्रूप्ट हुई। देखिए आपका जुड़वा वाई टाइप का सवाल है, सेमेस्टर बेस। ठीक, तो किस किस सेमेस्टर में कितनी कितनी शॉर्ट वर्किंग रिक्रूप हो रही है, तो ये सबसे मेन बात है। आप बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। सर जून 1995 में 1500 की हो रही है। करेक्ट, फिर कभी रिकूप हो पाएगी? सर दिसंबर 1996 में 750 की हो रही है। ओके, 750 की हो रही है। तो ये बात से सारे लोग सहमत हैं जो ये बोल रहे हैं? ऋषभ? यस सर। सारे लोग, किसी को कोई डाउट हो तो बेटा बिल्कुल बेशर्मी से आप पूछ लीजिएगा, मैंने बराबर क्लास में बोला हुआ है, पढ़ाई में क्वेरी के समय और भोजन में जो शर्मा गया उसको दिक्कत हो जाती है। ठीक, जल्दी से बताइए, ये जितनी बात इन्होंने बोली है कि दिसंबर 1996 में 750 रिकूप होगा, इज एवरीबॉडी इज Satisfied with the answer of the Rishabh? Response आप दे सकते हैं इस पे बोलने में, अगर शब्द में फटाफट फटाफट से रिस्पॉन्स दे दीजिए, हाँ सहमत हैं, कोई बोल सकता नहीं सहमत हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करके बात को खत्म कर लेंगे। ठीक, ये 750 रुपये इसीलिए रिकूप हो पाएंगे केवल, क्योंकि आगे आपकी जो रॉयल्टी जनरेट हुई वो केवल 750 रुपये ही ज़्यादा जनरेट हुई है, तो ये आपने रिकूप कर ली। ठीक, और जो बाकी बैलेंस बच रहा है ये अब आपका ट्रांसफर हो जाएगा P&L में, क्योंकि आपने 96 तक ही आपके पास डेटा है, यहाँ पे आपका काम खत्म हो गया। ठीक, टर्म जरूर 8 साल का था, लेकिन आप कहाँ तक बुक ऑफ अकाउंट बना के चल रहे थे, तो आप इसको P&L में ट्रांसफर, P&L में ट्रांसफर दिखाएं, क्या करना है? ये शॉर्ट वर्किंग 96 तक जो अनरिक्यूप्ड है, इसका क्या करना है ट्रीटमेंट? कितनी अनरिक्यूप्ड है? सर 1500। यस, इसको क्या करें, कहाँ ले जाएं? P&L में। P&L में? अच्छा, सवाल पढ़ते हैं हम लोग, अलाउ कर रहा है क्या P&L को? Short working can be recouped during the first 3 years of the lease only. तो ये तो बोल रहा है 3 साल तक कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 साल जरा जोड़ लीजिए भैया, हो गया क्या? जल्दी जोड़ो, 3 साल हो गए। प्लीज आप इस वर्डिंग को पढ़ेंगे सारे लोग हमारे साथ में, शॉर्ट वर्किंग्स कैन बी रिक्रूप ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ द लीज ओनली, पहले 3 सालों में ही वो रिक्रूप की जा सकती है, ओनली वर्ड लगा है, इसलिए 3 साल के बाद कोई भी शॉर्ट वर्किंग है तो वो रिक्रूप नहीं होगी, ये बोल रहा है। अगर इसमें हल्की सी वर्डिंग चेंज हो जाती इन द फर्स्ट 3 ईयर्स इन विच शॉर्ट वर्किंग अराइज,
इसमें थोड़ा सा चेंज हम दे रहे हैं, क्योंकि 3 साल की बात कर रहा है आप, देख लो ये 6 महीने का डाटा आपके पास लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, 6 महीने के हिसाब से अगर आपके पास 6 लगे हुए हैं, इसका मतलब 3 साल पूरे हो रहे हैं आपके, तो आप इसको क्या कर दे रहे हो कि शॉर्ट P&L में ट्रांसफर कर दोगे। आंसर इज करेक्ट। अब मैं इस पे ले जा रहा हूँ कि इसी क्वेश्चन में अगर एक लफ्ज वो केवल डाल देता और शॉर्ट वर्किंग्स कैन बी रिक्यूव ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ द लीज व्हेन इट अराइज, तो क्या हो जाता फिर? इसका जवाब दे दो मुझे, तो फिर हम समझ जाएंगे अच्छे से समझ आ गया, फिर कुछ नहीं पूछेंगे इस क्वेश्चन पे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर इसी में ये वर्डिंग होती कि 3 ईयर्स ओनली, मतलब उसने सीलिंग लगा दी 3 साल तक ही काम खत्म, 3 साल जहां पूरे हों वहां पर इसको P&L में डालू, अपना नुकसान मानू, मकान मालिक अड़ गया, लैंडलॉर्ड आपका अड़ गया। अब अगर वो बोलता कि नहीं, जहां शॉर्ट वर्किंग हो रही है वहां से 3 साल तक आप इसको एडजस्ट करा सकते हैं, तब स्थितियां आपके लिए बदल जाती हैं। तब आप इस शॉर्ट वर्किंग को क्या करते? अगर वो बोलता जहां पे एराइज हो रही है वहां से 3 साल, अच्छे से सुन लो और इस बात को लिख लो कॉपी में, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं फॉर योर स्टैंडिंग, आपने एनालिटिकल टेबल बना ली, वेरी गुड, बहुत अच्छे से बना ली, ठीक। और इस शॉर्ट वर्किंग में एनालिटिकल टेबल का ही सबसे बड़ा रोल है, ये जिसको आ गई उससे गलती नहीं होगी। हाँ, एंट्रीज तो थोड़ी बेटा आनी चाहिए, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा वो डिस्कस भी हो गया, और आपको डाउट हो तो आप पूछ भी लीजिए। फिर एंट्रीज के बाद जब उसकी अकाउंटिंग में लेजर्स बनाते हैं तो कैसे डालना है वो भी आपको आ रहा है नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी फिगर जनरेट करने में एज पर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन की इस लाइन को मैं फिर दोहरा रहा हूँ, बदल रहा हूँ आपके लिए, कि इफ सर वर्किंग का जो रिक्रूटमेंट है इट इज अलाउड फॉर द 3 फर्स्ट 3 ईयर्स इन विच द शॉर्ट वर्किंग अराइज, ये अगर इसमें शर्त होती या एग्रीमेंट की टर्म होती तो इसी क्वेश्चन में आप क्या करते? मेरा क्वेश्चन समझ आ गया ना आपको? प्लीज रिस्पॉन्स करते हुए चलिए, वरना लगेगा पता नहीं मैं किससे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? आप रिस्पॉन्स बोल सर। दो। हाँ, रिस्पॉन्स करते थे, मेरा क्वेश्चन समझ आ गया, देन व्हाट विल बी योर वर्किंग? अगर ऐसा हो रहा है तो इसी गिवन क्वेश्चन में आप क्या करने वाले हैं? कहीं कोई फर्क नहीं आएगा आपकी शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट जो आपने किया, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। आगे क्या करेंगे आप? इस जो 1500 रुपये आप P&L में डाल रहे हैं इसको नहीं डालेंगे। अगर वो शर्त में आपको थोड़ा ओपन कर दे कि जिस समय ये शॉर्ट वर्किंग अराइज होगी उसे 3 साल तक हम एडजस्ट करा सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 1500 रुपये हमारे दिसंबर 1995 में अराइज हुए ये आगे जा सकते हैं। और ऊपर आपको क्वेश्चन बोल भी रहा है कि 8 साल की लीज की बात हो रही है, आपको डेटा उसने 96 तक का दिया, इसका मतलब आगे ये कंटिन्यू हो रही है ये लीज, एंड इफ इट इज कंटिन्यू देयर इज चांस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द शॉर्ट वर्किंग। क्लियर है ना ये बात मेरी? ये पॉइंट समझ आ रहा है कि अगर ये हमारा बिजनेस ऑपरेशन कंटिन्यू कर रहा है तो जो मेरा एग्रीमेंट है वो भी कंटिन्यू कर रहा है, और एग्रीमेंट मुझे अगर ये अलाउ करता है कि शॉर्ट वर्किंग को आगे आने वाले 3 सालों में जिस समय वो शॉर्ट वर्किंग हुई हो एडजस्ट किया जा सकता है, देन दिस शॉर्ट वर्किंग विच इज नॉट रिक्यूट अप टू द 1996 कैन नॉट बी ट्रांसफर टू P&L। बात समझ आ रही है आपको? तब क्या होगा, ये आप इसको शॉर्ट वर्किंग का जो अमाउंट 1500 रुपये बच रहा है इसे बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, ठीक। कोई डाउट आया इस डिस्कशन पे तो पूछ लीजिए। यार मुझे पूरा पूरा पॉज लेना पड़ता है 1-2 मिनट का, तो आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज फ्री, एकदम फ्री माइंड से आप उसको रेस कर लीजिए इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस डिस्कशन। नो,
किसी को भी हो बेटा, क्लास का कोई भी बच्चा जिसको भी हल्की सी डाउट लग रही है इस बात पे जो ये डिस्कस हुई, वो जल्दी से पूछ ले, रखे ना मन में नो नो। तो अगर इतना आपको समझ आ गया है और आपके रिस्पॉन्सेस आई एम कंसिडरिंग इज करेक्ट, तो आप ये विश्वास रखिए कि काफी अच्छा जा रहे हैं आप रॉयलिटी में और इसके बाद आपको ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो एक काम हम लोग कर लेते हैं क्योंकि अभी हम लोग के पास टाइम बचा। इसके अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज पे कोई डाउट? अगर जर्नल एंट्री पे डाउट नहीं है तो आप लेजरिंग इसकी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैंने और डाला हुआ है आपके लिए, ठीक है, तो इसकी एनालिटिकल टेबल है। अभी हम लोग के पास 10 मिनट हैं, ट्राई करिए जहां तक पहुंच सकते हैं आप इसकी एनालिटिकल टेबल बनाने में, फटाफट से शुरू हो जाइए। वो जो आपके कॉलम है उन्हीं की अंडरलाइनिंग बढ़ा लीजिए और लाइन खींच के नया साल और शुरू हो जाइए फटाफट। देखिए कहां तक पहुंचते हैं हम लोग और क्या हो सकता है इसमें। तो ये टॉपिक यहाँ तक के काफी कवर हो जाए, तो कल की क्लास में फिर हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो रिजर्व बनती है इसमें वो कैसे डील होती है। बस इतना ही काम आपके लिए बाकी है, बचा है, बाकी ज्यादा बचा नहीं है। इस चैप्टर से रिलेटेड इतना ही काम बचा है, ठीक, समझ में आने वाला। तो फटाफट से ट्राई करिए जल्दी से एनालिटिकल टेबल जहां तक भी हो जाए आपकी। पढ़ो तो लू मैं क्या लिखा है, a coal company takes a lease of coal mine for a term of 10 years for further in 1910. यस, जल्दी से डिस्कस करें। यस सर। तो पहले कॉलम में आपने सारे वो डाल लिए होंगे कि कौन सा पीरियड है, फटाफट से। फिर उसके जो वो आउटपुट्स के टन्स हैं वो भी आपने सेट कर दिए होंगे, वहाँ भी कोई डाउट नहीं है। रॉयल्टी 1 रुपए के हिसाब से है, यहाँ भी कुछ नहीं करना है, उसी कॉलम को उठा के रॉयल्टी वाले में पूरी नकल टीप देनी है। 1 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम फिगर जनरेट। मिनिमम रेंट ये कितना बोला है इसने, मिनिमम रेंट कितना है भाई, कोई अलग आदमी मुझे बताए। लगातार ऋषभ के और आंसर और सांभवी के दो लोगों के आ रहे हैं बेसिकली। मिनिमम रेंट कितना लगाए, 8,000 रुपये लिखा है। जल्दी से बोलो कोई बंदा और फटाक से, टाइम मत वेस्ट करो यार, 10 बजे का टाइम है आपका। वहां 6 महीने हो गए थे तो आपने 12,000 को बांट के 6 में कर लिया था, यहाँ 3 महीने का है क्वार्टरली,
उसको चार पार्ट में बांट दो 8,000 को। यस 2,000 क्वार्टरली, 2,000 क्वार्टरली कर दो, बस और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। 2,000 क्वार्टरली, ये मिनिमम रेंट हो गया, तो रॉयल्टी हो गई, मिनिमम रेंट हो गया, तो शॉर्ट वर्किंग का कॉलम आपके लिए आसान है। बिल्कुल शॉर्ट वर्किंग आपकी आएगी फर्स्ट पीरियड में 500 रुपये की, सेकेंड पीरियड में 200 रुपये की, और फिर आएगी आपकी मार्च 31, 1996 में 400 रुपये की। अब क्वेश्चन आपके लिए बड़ा आसान है, उसने बोला कि पहले की 2 साल में आप शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करा सकते हो, ये उसका गिवन पीरियड है, ये पूरा 2 साल का है जो डेटा आपको मिल रहा है, ठीक। तो शॉर्ट वर्किंग जो जो जहां जहां फिर आपका रॉयल्टी ज्यादा हो जाए उन सब जगह रिकूप करा लीजिए, जैसे यहाँ जहाँ 2,200 हो रही है सितंबर 1995, वहाँ 200 रुपये रिकूप करा दीजिए, फिर दिसंबर 1995 में 100 रुपये रिकूप करा दीजिए, फिर जून 1996 में 500 रुपये रिकूप करा दीजिए, दिसंबर में 1996 में 200 रुपये रिकूप करा दीजिए, फिर दोनों तरफ का आप टोटल मिला दीजिए, आप देखेंगे कि 100 रुपये शॉर्ट वर्किंग के बचे रह गए हैं जो रिकूप नहीं हो पाए हैं। तो अगर वो बचे रह गए हैं तो उनको फाइनली आप P&L में ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि शर्त वही है कि पहले 2 साल में ही कर सकते हैं। तो नाउ यू हैव नो स्कोप टू एडजस्ट द शॉर्ट वर्किंग विच इज अराइव, तो उसको आप कहाँ ट्रांसफर कर दें, P&L में, ठीक। सेम क्वेश्चन था, बस फर्क क्या था, वो हाफ ईयरली से क्वार्टरली हो गया था, क्लियर है। अब आपके एंड पे काम क्या है कि आप इसकी जनरल एंट्रीज बनाएंगे इन एनालिटिकल टेबल के हिसाब से और अकाउंटिंग करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर इसमें आपने प्रैक्टिस छोड़ी तो कितना भी अच्छा समझ आ गया हो, करते समय दिक्कत आई अश्योर निश्चित होगी, लगाना ही पड़ेगा, जनरल एंट्री बनानी ही पड़ेगी, लेजर बना के पोस्टिंग करनी ही पड़ेगी, तब आपका हाथ चलना अच्छे से शुरू होगा, अदरवाइज आपको कितना अच्छा समझ आ जाए एप्लीकेशन के समय दिक्कत होगी। तो इनको दोनों को आप बनाइए, जहां डाउट आ जाए कि एंट्री क्या डालें या क्या करें, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन नेक्स्ट सेशन। कल के लिए आप इसका रिजर्व अकाउंट कैसे बनता है वो देख के आइए, ठीक। साथ ही ये देख के आइए कि अगर कोई स्ट्राइक या लॉकआउट होती है तो क्या होता है, या दूसरी जो जगह है जैसे ब्रिक्स है इनमें कैसे होता है, ये आगे के 2-3 छोटे छोटे पॉइंट बच रहे हैं, वो हम लोगों के 1-2 क्लास में होके ये आपका रॉयल्टी का अकाउंट का काम फिनिश हो जाएगा, ठीक। तो अब आपके एंड पे काम है, देखेंगे हम कि और भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा बन सकता है तो आपके लिए डालें हम, ठीक है। और आप पे ये काम वो डाल के चलने कि आप इसकी जनरल एंट्री बना के लेजरिंग करेंगे, ओके। कोई और क्वेरी बेटा आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं एट दिस टाइम। सर ये जो लाइन लिखी सर, रॉयल्टी व्हिच वाज ड्यू ऑन 31st दिसंबर 1995 वाज पेड ऑन 15 जनवरी 1996, सर इसका क्या करना है? हाँ, इसका क्या करना है, तो जब आप अकाउंटिंग एंट्री डालेंगे तो फिर उस जगह पे आपको ध्यान देना है कि ये डेट का क्या एडजस्टमेंट होना है, समझ आ रहे ना आपकी, ये जो ड्यू हो गई इसका पेमेंट तो आप आगे कर रहे हो ना, तो ड्यू कराएंगे आप इस पीरियड में, पेमेंट तो आप उस पीरियड में कराएंगे, और ये पीरियड अगर आपका साल के हिसाब से आप लिख रहे हो तो वो उसी में तो कवर हो जाएगा ना ईयर की जो अकाउंटिंग में, ठीक ना। ईयर की अकाउंटिंग के एंड में जनवरी के एंड तक की फाइनल आपको अगर ईयर वाइज बनानी है तो वहां तक जो पेमेंट आ रहा है वो आप करेंगे उस समय, क्लियर। नहीं तो आप जब ये कल बना के लाइए, फिर इसको हम तब उस समय बता देते हैं आपको अच्छे से, ठीक है ना। दिक्कत परेशान मत होइए कि कहाँ पे कौन सी डेट पड़ेगी, आप डेट डाल के और बकायदा जनरल एंट्री बनाइए, लेजर बनाइए, बस वो डेट के एडजस्टमेंट कहाँ पे कैसे हो रहे हैं वो हम कल आपको फिर डिस्कस करके उसको बता देंगे। आप अपने सामने वो रखिएगा अपना लेजर जो बना हुआ है, ठीक। सारे लोग इसको बनाइए, कोई क्वेरी लगे तो पूछिए जरूर, ओके। वेरी नाइस मीटिंग विद ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे। चलिए फिर कल हम लोगों की मुलाकात होती है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।